कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोल, श्री कुंज विहार लाड़ी तुम ते सब कछ, मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण। जान नदी जो जगत परशु पद सुखदा, जो बिगरे गिरावरी होई भगत तू पुहा। ताते तुम सो कहे तुच आपने पा, भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ दियो भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाड़ली तो ही सबही तिहारे हार, श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम। बिगरी तुमरे चरण कमल, नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य शक्ति अवतारिणे, मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्व दुराश विनाशकी, तदनुगामी सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तूयातु मे, मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदाम्बो हरिदास नाम, पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो नविदभो हरिदास तुम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो, नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनसु श्री हरिदास निषद्योषु आँखों, जय श्री वर विहार दास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखों, धन्य सोई शीश श्री हरिदास चरण वंदन कर, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं, परमोज्वल चिन्मय महामधुर शार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर श्री ललिता स्वरूप अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके विहारी विहारिणी, श्रीधाम वृंदावन चंदु आचार्य जन रसिक जन प्रेम जन गुरु जन, नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनाद एक रस पिए प्यारे विहरत स्वच्छंद,
सचित आनंद रूप में खग मृग द्रम बेली बर ब्रह्म भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भये पीवत मकरम। अद्भुत सौंदर्य माधुर्य को प्रदान करने वाले छटा बिखेरने वाले श्रीधाम वृंदावन चंजू एकमात्र युगल के भी आश्रय, जहां युगल अविच्छिन्न अखंड रूप से क्रीड़ा परायण ये सहचरी स्वरूपा श्रीधाम वृंदावन को हमारा बार बार प्रणाम है। नमो नमो श्री वृंदावन श्री आचार्य चरण भगवत ऋषि। यहां नित्य अनादि और अनंत, यहां के खग मृग वृक्ष लताएं, यहां श्री प्रिया प्रीतम इकर स्वच्छंद विहार परायण लताओं का कैसा सुंदर समूह, सभी नित्य हैं, चैतन्य हैं। भगवत नित्य अनंत अनाद एक रस, नित्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुक भई पीवत मकरम। भगवत अली जी कहती हैं, ये रसिक जन अथवा श्री प्रिया प्रीतम सहचरियां निरंतर इस महामहम रस वृंदावनी नित्य रस निरंतर इस वृंदावन का सेवन करते हैं, भ्रमर की तरह मधुप भई, भ्रमर की तरह जिससे भोरा फूल पर गुंजार करता रहे, ऐसे ही भोरा तो फूल से इधर उधर भी जा सकता है, लेकिन ये भ्रमर रसिक वृंदावन प्रकट में भी रसिक जन और अप्रकट में ये सहचरियां युगल, ये कभी वृंदावन से एक पग के लिए भी नहीं। तो भ्रमर की तरह ये नित्य यहां के आनंद रस का पान करते रहते हैं, स्वयं युगल नित्य विहार परायण सहचरियां और इनके अनन्य उपासक की रसिक जन। एकमात्र अनंत जन्मों के बाद जिन बड़भागियों को श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वृंदावन जीव का निजी बिहारी विहरिन का निजी सुख, उपासना हृदय में धारण, वो अत्यंत बड़भागी हैं। अनंत जन्मों के जो कष्ट हैं वो दूर हो गए, जिनके हृदय कमल में एकमात्र वृंदावन चंजू के प्रति अखंड आस्था है, शरीर से अखंड आश्रय है, फिर तो कहना ही क्या, बाहर रहते हुए अनन्य आस्था है, तो बड़भागी हैं वो भी। प्रेमी जनों, आचार्यों ने वृंदावन चंजू की बड़ाई इतनी प्रशंसा की जिसको कहते कहते तृप्त ही नहीं होते हैं।
जितनी युगल की प्रशंसा उतनी वृंदावन धाम की है कि युगल और ये सहचरियां सहचरी स्वरूप वृंदावन जो ये भिन्न नहीं, कहे भी मैं तो तीन है, सुख मिल बिल से एक। अपनी गोद में कलकल करती श्री यमुना जो रसरूपा, श्रीधाम वृंदावन को वृंदावन जी की गोदी ने बिहारी प्रीतम, धन्य है ये रसिक जन प्रेमी जन वृंदावन चंद की उपासना करते हैं। प्रकट वृंदावन पृथ्वी पे ही है, भूवश वृंदावन नहीं सेवते प्राणी पछताए। आचार्य चरण अपने हृदय की बात कहते हैं, वृंदावन चंजू समस्त जीव मात्र पर कृपा करने के लिए पृथ्वी पर ही विराजमान है। इनको सेवन करना सहज सुलभ है, कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ पर चढ़ना है बहुत ऊंचे, नहीं, ऐसा सरलता से दर्शन प्रकट वृंदावन जी के प्राप्त हो जाते। इन्हीं वृंदावन जी की कृपा से यहाँ की उपासना से ही जो सर्वोपर नित्य सुख प्राप्त होता है, जो जितने भी भगवत धाम हैं उस सुख के जो आश्रित हैं। वृंदावन को सो सुख कहूं न लहो, बिहारी जी महाराज कहूं न लहो, साफ शब्दों में कह दिया कहूं न लहो, वृंदावन को सो सुखो कहूं। बड़भागी हो आप वृंदावन धाम का नाम, वृंदावन धाम का सेवन, वृंदावन जी के प्राण स्वरूप युगल, वृंदावन के आचार्य चरण स्वामी जी महाराज इनका सेवन करते हो, नित्य श्रीहरदास नाम जाप करते हो, आपका जीवन धन्य धन्य है। रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास, अनन्याश्रय बस ये नहीं भूले अनन्याश्रय। कैसे ढुरे श्री बिहारी देव जी महाराज अनन्य आश्रित हैं जो स्वामी जी के, उनके लिए कह रहे हैं रसिक अनन्य उपासिका, जो रसिक अनन्य श्रोमणी स्वामी जी महाराज हैं उनके चरणों के जो जन उपासक हैं। जिते दात दास श्री हरदास, जितने भी स्वामी जी के दास, तिन तिन कीले चरण रज, बिहारी जी महाराज स्वामी जी के ही समान है, प्रिया जी का ही स्वरूप माना जाता है घर में। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जितने भी स्वामी जी महाराज के अनन्य उपासक हैं और होंगे, उनके चरणों की धूल मैं अपने शीश पे चढ़ा। महत पाद रजोभिषेकम, रज की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है, स्वयं ठाकुर भक्तों की रज चाहते हैं, स्वयं भक्तों के अधीन रहते, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। सर्व स्वतंत्र होते हुए श्री हरि अपने को कह रहे हैं दुर्वासा जी से, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के हाथ में बिका हुआ हूं, उनके अधीन हूं। भक्ति की बड़ी महिमा और भक्ति का भी सार वृंदावनीय रस कहना के, जो साचे हरि के भई तिन की यही सुरी। आचार्य शरण श्री ललित सिंह महाराज कह रहे हैं, जो हरि के साचे हो गए भैया, जैसे तुम हो भले बुरे
जहां भी हो जैसे भी हो, लेकिन हृदय में इष्ट के प्रति साचा भाव होना चाहिए। कोई पाखंड छल कपट उससे प्रभु नहीं रिझते। अगर कोई कमियां हैं तो इष्ट से प्रार्थना करो, हे इष्ट मेरे अंदर अवगुणों का ढेर है, आप कृपा करके दूर करो। गुरु कृपा से नाम प्राप्त हुआ, नाम की कृपा से, नाम जप की कृपा से और सत्संग श्रवण की कृपा से तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। महा अवगुणी होते हुए भी परम गुणशाली और बिहारी बिहारिन के लायक बन जाओगे। सत्संग में और नाम में मन तुम्हारा लग गया, जीते जी सनात हो जाओगे। इसलिए महापुरुषों ने ये वाणियों को रचित किया है, रचना की है। ये शब्द शब्द नहीं है, ये अमृत है। एक एक शब्द इनके दर्शन करे, प्रणाम करे, इनका आदर करे। एक एक शब्द, ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी गोदी में प्रिया प्रीतम को खिलाया। संसार से उदास एकमात्र, संसार के सुखों को मलबा त्याग दिया था। मन को एकमात्र बिहारी बिहारन के चरणार बिंदों में अखंड अनन्य सौंप दिया। महाविजयी महापुरुष, बहुत बलवान, वही सबसे बलवान माना जाता है जिसने अपने ये चंचल मन को युगल के श्री चरणार बिंदों में सौंप दिया। संसार के तौर पर कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी गुणी हो, वैभवशाली हो, जिसका यश चारों तरफ फैल रहा हो, लेकिन जिन्होंने अपने मन को बिहारी बिहारन के चरणों में नहीं सौंप दिया है, नहीं जोड़ दिया है, संसार के मान सम्मान नाना प्रकार के सुखों की आशा कामना है वहां, तो बात बनी नहीं, बिगड़ गई। आचार्य चरण कहते हैं, रिद्धि सिद्धि सुमेरु कहा। सुमेरु पर्वत कितना विशाल पर्वत है, भगवान के तनक संकल्प मात्र से हजारों सुमेरु पर्वत हो सकते हैं। भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना भई है। ऐसे सच्चिदानंदीय स्वरूप श्री हरि, इनको अपने प्राणाराध्य बना लो, संपूर्ण संसार कैसा वैभवशाली है, कैसा शोभायुक्त है, लेकिन ये नश्वर है, अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, दुखालयम, दुख का घर है। इस दुख के घर को बना के प्रभु अपने मुख से ही कह रहे हैं, दुख का घर है और ये अशाश्वत है, लेकिन इस अशाश्वत शरीर से अशाश्वत संसार में रह के शाश्वत वस्तु प्राप्त हो जाती है। ये आश्चर्य की बात, शाश्वत यानी सदा सत्य रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्रभु बिहारी बिहारन इष्ट इसी शरीर से प्राप्त होते हैं। देवताओं का शरीर बहुत बड़ी उम्र और वहां वैभव का ठिकाना नहीं, लेकिन वहां प्रभु प्राप्त करने के लिए भजन साधना नहीं कर सकते हैं, वो रोते हैं विवेकी देवता, हे प्रभु इतनी उम्र मिली, जन कब कटेगी ये उम्र, यहां स्वर्ग के भोगों का आवरण, हमको तो ब्रह्मादिक वांछित रहे, ब्रह्मादिक देवता, मनुष्य जन्म चाहिए प्रभु, 100 साल की उम्र चाहिए हमको, भारत भूमि चाहिए, वृंदावन चंजू ब्रजमंडल चाहिए, रसकों की शरण चाहिए। तुम जिसके लिए लालायत हो, विवेकी देवता रोते हैं, जिन्होंने समझ लिया है कि आनंद तो हरि के चरणों में है,
भजन करके जो भी स्वर्गादिक अथवा परमेश्वरी पद श्री ब्रह्मा जी का जो भी ये लोक हैं, सब ये नष्ट महाप्रलय काल में सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत श्री हरि का भजन, तुम भी शाश्वत हो जाओगे। हरि के चरणार बिंदों में हरि का भजन करने से हरि समझे हरि ही भई। प्यारी बिहारिन की हरि के जिस स्वरूप का चिंतन मनन अथवा अपना स्वरूप दास भाव है, शक्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कौन सा के गोपी भाव है कि सहस्री भाव है, कौन से भाव के उस उपासक हो, उस भाव में दृढ़ हो जाओ। सहस्री वह भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसे हूं माने कोटिनाते। समस्त भावों का श्रोमणी भाव ये सहस्री भाव है। इस भाव का चिंतन करो, प्रिया प्रीतम का अखंड अनन्य सानिध्य प्राप्त करो। चिंतन करो, हे मेरी लाडली जी, हे मेरी ललिता जी, स्वामी जी महाराज मिठल दासी बहनी, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। हे लाडली जी, तुम पर कहने में भी जोर पड़ता है, जो मांगोगे वो मिलेगा। गुरु लोग जो तुमको पढ़ा रहे हैं तोता की तरह वो ही कहते रहो, धीरे धीरे हृदय में भी उतर जाएगा, हृदय में उतर जाएगा। साधन पासे लागो धाय, गुरु प्रदत्त साधन मार्ग उसको स्वीकार करके उसमें धाय के लग पड़ो। तुम बड़े नहीं हो रहे, छोटे होते जा रहे हो, उम्र समाप्त होती जा रही है और एक क्षण का भी मालूम नहीं, एक क्षण का भी। तो फिर अपने साथ धोखा क्यों? यहां की कोई भी वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, हमारे साथ नहीं जाएगी। ये बस सेवा भाव से, भगवत भाव से जो सेवा सौंपी उनको सेवा को करो। आसक्ति यहां मत करिए, बिहारी दास आसक्ति उपासक। हम लोग आसक्ति के उपासक हैं, बिहारी बिहारिन के जो दास हैं पर आसक्ति के उपासक हैं, पर कहां युगल के चरणार बिंदों में। जो संसार में आसक्ति है उस आसक्ति, तुम्हारे पास प्रभु से मिलने का सारा सौदा, सारी सामग्री मौजूद है, पहले से प्रभु ने व्यवस्था की है। जो आसक्ति संसार में हो गई है, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा समझ के उस आसक्ति को प्रभु में कर दीजिए। परिवार में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध वर डोरी। जहां जहां ममता बटी हुई है, जहां जहां आसक्ति बटी हुई है, तुम्हारे पास सब मौजूद है। ये जो मन है ना, अगर विषयी मन है तो नरक में डालने वाला, अगर हरि संबंधी हरि के चरणों में अनुरागी मन है तो हरि को मिलाने वाला है। जो मन भी एक जो है प्रभु का अनुगामी मन, एक संसार का अनुगामी मन, प्रभु के अनुगामी मन के द्वारा संसार के मन को फटकार दो। कहने का तात्पर्य, जो संसार में प्रभु का भजन करते कराते भी संसार के सुखों में जो आकर्षण दिखता है, बस उसको समझना है ये धोखा है। उस मन को जो वो चाह रहा है, कबहू कबहू मन ये तू तुझा, या ते वो कहा अधिक सुख
महाराज कह रहे हैं ऐसे परम सच्चिदानंद सुख को छोड़ के तेरा ये चंचल मन और इधर उधर भागता है कभी कभी, इसको समझाओ सच्चे मन की और सद्बुद्धि के द्वारा जो गुरुओं के द्वारा प्रदत्त है, नाम के द्वारा प्रदत्त है। अरे बहुत जन्म हो गए तुझको इधर उधर भागते भागते, यातेव का अधिक सुख या बिहारी बिहारिन के नित्य सुख से भी बड़ा कोई सुख है क्या? कहां दौड़ते न मेरी दुर्दशा करी अनंत जन्मों में, अब मत दौड़ लगावे इधर उधर, पुटकारो उसको। कभू कभू मन इत उत्जात, बड़ा धोखा है जीव के साथ, अपने साथ अपने आप ही धोखा करता है। प्रमाद, प्रमाद क्या? जो कर्तव्य नहीं है उसको करता है, और जो करने वाला कर्तव्य है उसको नहीं करता, यही प्रमाद। आलस्य प्रमाद इसमें फंसा हुआ है। समय बहुत है लेकिन मोबाइल में और कुछ देख रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं। अरे जब लगे परगुण दोष निहारे, तेरे पास समय बहुत है, जब तक तू दूसरे के दोषों की चर्चा कर रहा है, किसी के गुणों की चर्चा कर रहा है, संत चर्चा हो तो अच्छी बात है, गुणों की, किसी के दोषों की, भूतों की, सर्पों की, चोरों की, ये कहानियां तू सुन रहा है, कर रहा है, उसी समय को बिहारी बिहारिन के सत्संग में, भजन में, चिंतन में, पाठ में, उसी समय को लगा दे, तेरे को बिहारी बिहारिन मिल जाएंगे। बात यह है, समय का सदुपयोग करना महापुरुषों से सीखिए। एक मिनट भी अनर्गल बात करने में, अशाश्वत तत्व को पकड़ने में एक मिनट भी हमारी नहीं जानी चाहिए, इसी जीवन में बिहारी बिहारिन मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, निश्चित। क्योंकि ये करुणा निधान श्री हरि ने ये मनुष्य जन्म अपने मिलने के लिए, सुख संसारी विषय भोगने के लिए नहीं, ये अपने मिलने के लिए दिया है। संसारी विषय भोगने के लिए तो और योनियां हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, ये तन मिला है इसका फल विषय भोग नहीं है। ये सद्बुद्धि केवल और केवल संत गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से। नहीं कहे तो सुनत और पढ़त हूँ, छाणत ना है दुष्कृत, ऐसा ये पापी मन है संसारी योग से जो बना है, पापी मन है। कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, फिर भी ये दुष्कृत को नहीं छोड़ रहा है। भगवान से स्वयं भगवान के अहर्निश छाया बस संग रहने वाले अर्जुन इसी प्रश्न को कर रहे हैं, हे भगवान ये मन बस में नहीं होता है, और मन से ही सारे साधन पुष्ट होंगे, सुलभ होंगे, मन बस में करने के बाद ही आप मिलेंगे प्रत्येक प्राणी को, कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन ये मन में, मन बस में करना, ये तो वायु से भी ज्यादा चंचल है, हवा जितनी उससे भी ज्यादा चंचल है ये मन तो। हे गोविंद क्या ये मन बस में नहीं होता है? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम अभ्यासेन तो कौन्ते वैरागेण गृह्यते। हे महाबाहो अर्जुन बिल्कुल सत्य कह रहे हो, ये मन दुर्निग्रह है, प्रमथन स्वभाव वाला है, जिसके विषय में सोचता है, मंथन करता ही रहता है, करता ही रहता है, और क्रिया में उतार देता है, संकल्प विकल्प करते कराते, ऐसा जी प्रमथन स्वभाव वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस में नहीं होता है, कैसे होता है प्रभु? अभ्यासेन तो कौन थी,
गुरु जी के श्री चरणों में अनुराग करके वो जो रास्ता बताएं, वो जो नाम दें, वो जो वाणी पाठ दें, उस वस्तु का अभ्यास करें निरंतर, नाम श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, इस मन को भागने के लिए जगह ना छोड़े, समय ना छोड़े। कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी दर्शन के लिए, कभी जप कर रहे हैं, कभी वाणी पाठ, कभी बिहारी हरण की सेवा, फालतू लोगों का संग नहीं, कुसंगियों का, व्यवचारियों का, जो संसारी हैं उनका संग नहीं। तो अभ्यासेन, तो गुरु प्रदत्त जो उपासना है, साधना है, मार्ग है, उसका निरंतर अभ्यास करें। इसलिए बड़ों ने नाम के ऊपर बहुत कहा है, निरंतर नाम जाप करें, निरंतर ये मन बस में सत्संग के द्वारा, साधन को हरि भजन है कैस संग सहाय। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, साधन में हरि भजन, निरंतर हरि भजन करें और सत्संग, महान पुरुषों का संग, उनके वचन सुने, तो निश्चित ही मन बस में हो जाता है। भगवान भी हाँ यही बात कह रहे हैं, अभ्यासेन तो कौन्ते ही अर्जुन, निरंतर अभ्यास करो। ये अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है, एक जन्म का नहीं, अनंत गिनती नहीं कर सकते हैं। जहां ये भागता है वही किया है, सब जन्मों में वही किया है, जिससे विशेष आकर्षित होता है और जन्मों में यही तो किया है, इसी कचड़े को तो अपना प्यारा माना है। अब इसको बिहारी बिहारन का महासुखमय जो रास्ता है उधर चलने में ये दुख मानता है, कष्ट मानता है, और जो अभ्यासी है उसका परिणाम जो भयंकर महादुख होता है, उधर ये मन समझाते समझाते भी खिसक जाता है। संत गुरु कृपा करें तो ये संतों की कृपा से ही अर्जुन, अभ्यासेन तो कौन्ते, निरंतर अभ्यास करिए। और वैराग्य, वैराग्य क्या, संसार से आसक्ति नहीं, संसार के पदार्थों में सेवा करो, सेवा भाव, भगवत भाव से सेवा परायण रहो, लेकिन कहीं भी आसक्ति नहीं, ये सब पसारा मेरे गोविंद का है, मेरे प्रभु का, मेरे बिहारी बिहारन का है, मुझे सेवा सौंपी है, मुझे सेवा करनी है, मालिक मेरे बिहारी बिहारन हैं, मेरे गुरुदेव आचार्य हैं, मुझे सेवा सौंपी है, तो नहीं फंसोगे, स्वयं मालिक बन जाओगे तो फंस जाओगे, स्वयं फंसते हैं, अनेक जन्मों से फंसते चले आ रहे हैं, अनेक बार नरकों की यातनाएं, कोलू में भी तुमको पेला गया है, तुमको अग्नि में भी झोंका गया है, तुमको कुंभी पाक नरकों में भी डाला गया है, उन दुखों को जब सुनोगे भयभीत हो जाओगे, और अगर भजन नहीं करोगे फिर डाला जाएगा। और भजन केवल इसी जन्म में, इस मनुष्य जन्म में, और अगर तुमको ये सत्संग प्राप्त हो गया है, तुम्हारे ऊपर प्रभु ने असीम कृपा उड़ेल दई। जब द्रव हैं दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, जब दीन दयाल द्रवित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं श्री हरि इस जीव पे, उसी को साधु संगति, गुरु सानिध्य उसी को प्राप्त होता है। नहीं तो अनंत जीवें भटके हुए हैं, जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, बिन सत्संग विवेक न हुई। ध्यानंदे जी महाराज कह रहे हैं, अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, हे प्राणी अभिमान छोड़ के बड़ों का सत्संग कर, उनकी बात सुन, जन्म जन्म के श्रम मिटे, जो जन्म जन्मांतर में तुम महादुख पाता आ रहा है, तेरे सारे श्रम खत्म हो जाएंगे, हमारी बात मान। प्रकट ललिता रूप श्री हरिदास नाम निज नामे रटे, जो साक्षात प्रकट श्री ललिता जी का ही स्वरूप है ये नाम, इस नाम को रट, तू भी ललिता स्वरूप ही हो जाएगा।
तू सहज श्री स्वरूप ललताजू अपना ही स्वरूप दे देंगी, बिहारी बिहारिन की अंग संगनी सहसरी बना देंगी तुझे। नाम जप अपने अविवेक के कारण ये प्राणी समय का दुरुपयोग, समय बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती, ये मनुष्य जन्म आचार्य चरण लिख रहे हैं इसकी एक श्वास का मूल एक ब्रह्मांड है। आचार्य चरण श्री ललित किशोर देव जी महाराज ने लिखा है इस मनुष्य जन्म की एक श्वास का मूल एक ब्रह्मांड है। किस तरीके से लिखा है, यानी इतनी कीमती है मनुष्य जन्म की श्वास, इसी श्वासों के आधार पर सच्चिदानंद प्रभु मिलते हैं, इन श्वासों पर नाम बसा लिए, जितने श्वास नासा चले तितने जपे श्री हरदास, तो प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, सदा सदा के दुखड़े समाप्त हो जाते हैं, परम सुख प्राप्त हो जाता है। तो एक श्वास के गणित के अनुसार ही ब्रह्मांडों की रचना होती है, इतना कीमती मनुष्य जन्म का श्वास है, इतना कीमती। इसलिए इस श्वास के साथ खिलवाड़ मत करिए, इन श्वासों को व्यर्थ के अलाप में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के देखने में, व्यर्थ के खाने में, इन इंद्रियों की लोलुपता, इस मन की लोलुपता, इसको विराम दीजिए, बहुत हो गया, अनंत जन्म बीत गए इसमें, अनंत जन्म बीत गए। एक बार स्वामी गुण गाए, एक बार स्वामी जी के चरणों में अनन्य आश्रय कर लीजिए, एक बार संशय का त्याग कर दो, इसी जन्म में बिहारी बिहारन मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, इस जन्म को लगा दो एक बार स्वामी जी के अनन्य आश्रय श्री हरदास नाम, एक जन्म बिहारी बिहारन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम जितनी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो उससे तुमसे कई गुनी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब ये संत गुरुओं की बात मान के और हमारा भजन चिंतन हमारे में आसक्ति करे और हमारे पास ये कब आए, बाट निहार रहे हैं जैसे किन्हीं माता पिता का बेटा विदेश गया हो, माता पिता जो है बाट निहारते हैं, पत्नी अपने पति की बाट निहारती है, ऐसे तुम्हारी बाट प्रभु निहार रहे हैं। ये संतों की बात नहीं मानता है, अनभिज्ञ नरकों की याद, प्रभु बड़े दुखी होते हैं, अरे ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, जैसे अपने पुत्र को कोई विघ्न बाधा हो जाए जिसे माता पिता दुखी होते हैं, ऐसे प्रभु दुखित हो जाते। जो साचो हरि के भई, जो साचे हरि के भई, तिनके यही सुरीत, उनकी ये रीति है, कौन सी, दया भाव सब सो करें छिन छिन गुरु सो प्री, उनके हृदय कमल में दया होती है और दया का उल्टा याद, जब हम प्रभु की याद करेंगे तो प्रभु दया करेंगे, तो वो दया का अंश तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन चेतन महाप्रभु, जीवों पर दया, प्राणी मात्र पर दया, नाम में रुचि और संत सेवा, ये तीनों ही अमृत स्वरूप। तो दया भाव
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए, जब लगी घट में प्राण। एक संत महापुरुष नदी के किनारे बैठे, एक बिच्छू बहके जा रहा, तड़फड़ाता हुआ बह रहा। संत जी को दया आई, उसको निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और उसको हाथ बढ़ाया तो जैसे डंक मार दिया और फिर उछट के पानी में गिर गया। संत जी ने फिर प्रयास करके फिर उसको उठाया, फिर डंक मार दिया। एक कोई जन बैठे थे, दूसरे बोले, महाराज क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो? देखो कई बार तुमको डंक मार दिया है और फिर भी तुम उसको उठा के बाहर छोड़ो। अरे भैया, इसका जो स्वभाव है, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। तो हम मनुष्य होके, प्रभु के दास होके, अपनी दया में स्वभाव को छोड़ दें? इसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे हम, इसको निकार के ही छोड़ेंगे। तो इन संत महापुरुषों के हृदय में दया का, कृपा का भंडार होता है। स्वामी जी महाराज ऐसे दयालु नहीं होते, जो सतयुग में नहीं करी, जो वस्तु सबसे महा उज्ज्वल माधुर्य रस, अति माधुर्य काम केल माधुर्य, जो छुए से मैल हो, ऐसी अनुपम असीम वस्तु, अपरमित, जिसकी उपमा नहीं, उपमा रहत वस्तु प्रकट करी स्वामी जी महाराज ने, कैसे दयालु हैं स्वामी के। स्वामी से स्वामी भई इनशम और न को, किशोर दास इन शरणते नहीं समझन हो। इतनी बड़ी दयालुता, अपना ही स्वरूप देके अंग संगनी बिहारी बिहारी की सहसरी बना लेते हैं, जो इनका नाम अनन्य भाव से जाप करता है। इतने दयालु कोई हो सकते हैं? जितने दयालु आचार्य जन, गुरु जन, रसिक जन, प्रेमी जन हैं, अपने हृदय को उड़ेल देते हैं तुम्हारी झोली में, लेकिन तुम नहीं ले, कूड़ा करकट भरो तो तुम्हारी राजी है। जो नहीं होते ये संत, जरमर तो संसार। ये दया के भंडार हैं, इनका सानिध्य जिन्होंने समझ के प्राप्त किया है, उनके जीवन में फूल खिल गए हैं, निश्चित ही उनको हरि प्राप्ति हुई है। ये संत महापुरुष साक्षात हरि स्वरूप ही होते हैं। जो इनकी अवहेलना करता है अथवा जिन्होंने की है, उनका सर्वनाश हो गया। किसी उदाहरण को देखो, बड़े बड़े दिग्गज जिनके मारे पृथ्वी कांपती थी, हिरण्यकश्यप एक भक्त बालक का परिहास, उपहास, उसको कष्ट दिया, सर्वनाश भक्त बालक। श्री राम जी से विरोध, भक्तों को, संतों को कष्ट, रावण कुल सहज सर्वनाश। तो कोई भी उदाहरण देखिए, पुराना उदाहरण, नया उदाहरण, लेकिन कलिकाल है ये। कलिकाल में अलग तरीके के देखने को मिलता है, लेकिन सार बात यही है, संतों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में अनुराग। कहीं तुमको अभाव दशा दिखती है तो उस अभाव में बढ़ते मत चले जाओ, वहां प्रणाम करो, वहां प्रणाम करो और वहां से अभाव युक्त मन को समझा के, ये कोई न कोई यहां प्रभु की लीला है, कोई न कोई लीला है, कलयुग का कोई विशेष तांडव है। लेकिन कहीं संत महापुरुष श्री गुरुदेव आचार्यों में, किसी प्रकार भी शास्त्रों में, इनमें अभाव मत करिए। साक्षात हरि, गुरु, संत और शास्त्र, ये चार रूप में स्वयं हरि ही होते हैं। गुरु, संत और शास्त्र, इन तीनों रूप में स्वयं हरि एक रूप में तो होते ही हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन तीनों रूप में साक्षात शास्त्र के रूप में, वाणी पोथियों के,
संतों के रूप में, गुरुओं के रूप में। तुमको ऐसा लग रहा है कि इनकी अलग तरीके के व्यवहार, क्रियाएं, आचरण, उनकी निंदा मत करिए, उनको प्रणाम करके उनसे हट जाइए, संग मत करिए, संग समझ के करिए, लेकिन निंदा भी किसी की मत करिए। नहीं, वो किसी के भी अवगुण होंगे, तुम जिनकी निंदा कर रहे हो वो निश्चित तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम जो है महा अपवित्र हो जाओगे। इसलिए भगवान से एक ऋषि जी कह रहे हैं कि हे राम जी, राम जी ने पूछा सबसे बड़ा पाप क्या है, कि हे राम, सबसे बड़ा पाप दुनिया में दूसरों की निंदा करना है। कैसे? निंदा करने से अपना सर्वस्व नाश हो जाता है, तो अपने साथ धोखा कर लिया, ये सबसे बड़ा पाप है। जैसे अपनी आत्महत्या कर लें, ये सबसे बड़ा पाप है दुनिया में। दूसरे को मारने से भी ज्यादा, दूसरे को मारना तो पाप है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने आप को मार देना, ये पाप है। तो निंदा करके दूसरों की अपने आप को मार दिया। कैसे मार दिया? कि उसके अवगुण जिनकी तुमने निंदा करी है तुम्हारे पास आ जाएंगे, और मारने का मतलब यह है कि बार बार नरकों की यातना, तुम नरकों में जाओगे, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को मार दिया, इसलिए तुम वो महापापी, भगवान से कह रहे हैं हे राम, वो महापापी है जो दूसरों की निंदा करता है। कोई निंदनीय क्रिया देखने के बाद भी विवेकी जन वहां से अपनी दृष्टि हटा देते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, न संग करते हैं न चर्चा करते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो इन परमार्थिक अमृतमय सूत्रों को हृदय में धारण करते हुए अमृत प्राप्त कर लो, नहीं तो विष मिलेगा। फिर ये विषय सागर है, ये अशाश्वत है, दुख का घर है। अनेक जन्मों से यही करते चले आ रहे हो, यही दोष दर्शन, इसका परिणाम स्वरूप में भयंकर नरक और फिर संसार में कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा। ये मनुष्य जन्म तो प्रभु ने कृपा करके अब के बार दे दिया है, तुम समझो दोबारा भी मिल जाए बिना भजन किए? नहीं। बार मते गलत हो बर शिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरें, ये सिद्धांत अपील। उमा जी से कह रहे हैं भगवान शंकर, पानी को मथने से घी नहीं निकलता है, अस्मर असंभव, फिर भी निकल आवे। शिकता ते बर तेल, बालू को मथने से तेल नहीं निकल सकता है, फिर भी किसी कारण से निकल आवे। बिनु हरि भजन न भवतरें, बिना हरि के भजन किए इसको निश्चय नरकों में जाना पड़ेगा, बार बार कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। इस वो चाहे हो जाए जो अभी बताए हैं, असंभव संभव, लेकिन ये संभव नहीं है कि बिना हरि भजन के कोई सुख प्राप्त हो जाए। धोखा है, दुख ही दुख प्राप्त हो। इसलिए चेतो भैया, निरंतर भजन करो। जो भी तुम स्वामी जी महाराज के वृंदावनी नित्रस के उपासक हैं, आपको बार बार प्रणाम है, लेकिन आप लोग भजन को निरंतरता में लाइए। दया भाव सब शो करें, छिन छिन गुरु शो प्रीत। अंतिम शब्द को और समझ लो, जो सांचे हरि के भये तिनकी यही सुरी। जो सांचे हैं उनकी पहचान बता रहे हैं आचार्य चरण श्री ललित किशोरी दीज महाराज। सांचे कौन है? हरि के सांचे कौन माने जाते हैं? दया भाव सब सो रहे, और बहुत से लक्षण, ये मूल लक्षण बता रहे हैं। एक तो सब पे दया, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सब में मेरे प्रभु हैं। और छिन छिन गुरुशों प्रीत, गुरु के चरणों में छिन छिन प्रीत बढ़ती रहती है।
संतों में प्रीत बढ़ती रहती है, कभी अभाव नहीं होता है। तो गुरुओं में प्रीत जितने पैमाने पे तुम्हारी बढ़ चुकी है, उतनी प्रीत हर्षों जान, आचार्य कह रहे हैं। हरि में श्री बिहारी बिहारन में अपने आप उतनी प्रीत बन चुकी है, चिंता मत करिए। उन्होंने उतने ही प्रतिशत तुमको स्वीकार कर लिया है जितने प्रतिशत प्रीत तुमने गुरुजी के चरणों में लगा दी है, उनकी आज्ञा का पालन किया है, उनके रुख को समझ के आगे जीवन को धारण किया है। इसलिए आचार्य चरणों की ये महामहिम वाणी जो अमृत स्वरूपा है, प्रेमी जनों एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारिए, निरंतर सत्संग सुनिए और निरंतर नाम जाप करिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।